देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। मनाए गए द्विज जी की 115वीं जयंती, साहित्य विभाग द्वारा आयोजित हुआ कार्यक्रम, याद किए गए पूर्णिया कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज, स्थानीय कला भवन में एकजुट हुए साहित्य से जुड़े लोग, द्विज जी की तस्वीर पर सबने किया पुष्पांजलि अर्पित, द्विज जी की रचनाओं, व्यक्तित्व व कृतित्व पर हुई चर्चा, परिजनों ने खुद को माना सौभाग्यशाली, खुद ही सुन लीजिए क्या कह रही है। आज पंडित जनार्दन प्रसाद झा जी द्विज की 115वीं जयंती हम लोग यहाँ मना रहे हैं। पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रथम प्राचार्य होने का उन्हें गौरव प्राप्त है और उनकी नतनी होने का गौरव मुझे प्राप्त है। तो आज मैं ये कहूँगी कि बहुत ही मेरे लिए सौभाग्यशाली ये दिन है, क्योंकि उनकी 115वीं जयंती मना सकने का हम सब में उत्साह अब तक है और आगे भी रहेगा। द्विज जी की रचनाओं पर, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर कुछ लोगों ने काम किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो आज के इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी है कि द्विज जी से जुड़े संस्मरण जो यहाँ के मुख्य वक्ताओं के पास, विद्वानों के पास हैं, वो हमने आमंत्रित किए हैं। जो हमारा अगला, जो हमारी पत्रिका निकल रही है, उसमें उसको हम लोग प्रकाशित करने वाले हैं। इसके अलावा आज यहाँ सभी गणमान्य विद्वान लोग उपस्थित हैं जो द्विज जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने पिछले 3 साल से एक कार्यक्रम चलाया हुआ है कि द्विज जी के नाम पर, उनकी स्मृति में हम पंडित जनार्दन प्रसाद झा स्मृति साहित्य सम्मान देते हैं। इस बार ये सम्मान कटिहार के निवासी डॉक्टर शिव नारायण जी को हम देने वाले हैं, जिनकी कम से कम 27 पुस्तकें प्रकाशित हैं और ये बहुत अच्छे कवि, संपादक और साहित्यकार हैं, और साथ ही अरविंद महिला कॉलेज में हिंदी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। तो ऐसे व्यक्ति का कला भवन से जुड़ना और इस सम्मान के लिए आना, वस्तुतः मुझे लगता है कि द्विज जी की ऐसी ख्याति जिस पर कि वक्त की धूल पड़ गई है वो हटेगी और धीरे धीरे वापस वो जो द्विज हैं, द्विज की तरह साहित्य आकाश में चमके। बहुत सारी ऐसी रचना जो लोग चाहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो मिल नहीं पा रही है, तो इसके लिए साहित्य विभाग की ओर से क्या किया जाए? बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है आपका। अभी उनकी 3 रचनाएं ऐसी हैं जो उपलब्ध हैं, एक अनुभूति कविता संग्रह, एक प्रेमचंद की उपन्यास कला उनका जो पुस्तक है वो, और एक किसलय थी लेकिन वो भी अब मिल नहीं रही है। मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि किसलय को कहीं से ढूंढ कर उसकी प्रतियाँ बना के यहाँ के साहित्यकारों में, और आप सभी जितने मीडिया वाले हैं सबके साथ उसको शेयर करना चाहती हूँ। प्रयास में लगी हूँ, अब जब मुझे किसलय मिल जाए। इसके अलावा उनकी कुछ चुनिंदा 25 कविताओं को मैंने चुना है अंतर्ध्वनि और अनुभूति से, उसका एक संकलन मैं अपनी तरफ से निकालने जा रही हूँ, जो कि मैं यहाँ प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक कॉलेज में, हर जगह उसको बटवाऊँगी। और अब चूँकि मैं स्वयं पूर्णिया विश्वविद्यालय की एक अंग हूँ, तो मैं चाहूँगी कि वहाँ भी द्विज जी पर ऐसे कार्यक्रम हों।